Good afternoon to everyone. It is a matter of great pleasure that IQSE Science Committee, Zoology and Biotechnology Department of Government Girls PG College Ujjain, a center for excellence, a graded by NEC two cycles, is organizing national workshop on eco-friendly Ganesh idol making from clay in collaboration with Rupantaran Samajik Evam Jan Kalyan Sanstha Ujjain. Being convener of this national workshop, I welcome resource persons, participants, and students from different colleges. Today, we have two eminent personalities with us, Sri Rajiv Pava, Director, Rupantaran Samajik Evam Jan Kalyan Sanstha Ujjain, and another is Dr. Vikrant Shah, Guest Faculty of Drawing Department of Government Girls PG College Ujjain as a expert. Dr. H.L. Anizwal, principal of our college, is presiding the program on behalf of our institution. Once again, I welcome you all, and to start the session with due permission of principal sir, I will present the theme of the workshop. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब गणेश उत्सव आता है और गणपति जी की जो मूर्तियाँ घर में विराजित की जाती हैं और मार्केट में मिलने वाली जो गणपति जी की मूर्तियाँ होती हैं वे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती हैं और उन पर जो कलर्स किए जाते हैं वे भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब गणपति जी को विराजित किया जाता है घर में और कुछ समय के पश्चात जब विसर्जन किया जाता है गणपति जी की मूर्ति का, तो इनका विसर्जन किसी भी वाटर बॉडी में किया जाता है। उस लोकल एरिया में अवेलेबल जो भी वाटर बॉडी होती है वहाँ पर गणपति जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं ये उन वाटर बॉडीज़ में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, और अगर डिज़ोल्व होती भी हैं तो उस मूर्ति का कुछ हिस्सा डिज़ोल्व हो जाता है और कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। और उन पर जो हार्मफुल केमिकल्स लगाए जाते हैं वो उन वाटर बॉडीज़ में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस तरह से अल्टीमेटली वो जो वाटर बॉडी होती है वो पोल्यूटेड हो जाती है, और इन वाटर बॉडी से जो पानी सप्लाई होता है घरों में, हमारे घरों में सप्लाई होता है और जिन्हें हम पीने के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो इस तरह से ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई गणेश जी की मूर्तियां हैं और इन पर जो हार्मफुल केमिकल्स का कलर किया जाता है ये उन वाटर बॉडीज़ को पोल्यूटेड कर देती है, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट को ये पोल्यूटेड कर देती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि हमारे नेचर में जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूटेड हो जाती हैं। तो इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम इस वर्कशॉप के माध्यम से हम समाज में इस सूचना को फैलाएं, इस बात को फैलाएं कि जो हम मार्केट से गणपति जी की मूर्तियां खरीदते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई हैं और उन पर जो केमिकल्स हैं ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तो इनका उपयोग न करके
इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम सीखेंगे कि गणपति जी की मूर्ति, इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति किस तरह से क्ले मटेरियल से बनाई जाती है। यही नहीं, हम इस वर्कशॉप के माध्यम से गणपति जी की मूर्ति बनाने के साथ साथ उन पर किस तरह से ऑर्गेनिक कलर्स किए जाते हैं, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कलर्स करना भी आप लोगों को सिखाएंगे। ये जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं, ये उन वाटर बॉडीज के लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं, इसलिए इन ऑर्गेनिक कलर्स का उपयोग किया जाएगा। तो एक और हम क्ले मटेरियल के द्वारा गणपति जी की मूर्ति को बना करके और हम हमारे घर में उसको स्थापित करेंगे, साथ ही उन पर जो ऑर्गेनिक कलर्स करेंगे ये भी जब गणपति जी का विसर्जन होगा तो ये उन वाटर बॉडीज के लिए हार्मफुल नहीं होंगे। तीसरा, जो इस वर्कशॉप के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, एक तो ये कि हम गणपति जी की मूर्ति को क्ले मटेरियल से बनाएं, दूसरा हम उन पर ऑर्गेनिक कलर्स का उपयोग करें, और तीसरा हम उस गणपति जी की मूर्ति को किसी वाटर बॉडी में विसर्जित करने की बजाय हम उसको घर में ही हम गमले में उसको विसर्जित करें, हम गमले में उसको मिट्टी के साथ में रख करके और उसके ऊपर यदि हम तुलसी जी का पौधा या हम कोई और पौधा जो मेडिसिनल यूज का हो, तो इस तरह से हम घर में उसको विसर्जित करके हम पूरी तरह से हमारे शहर का, हमारे गांव का, हमारे घर के आसपास के वातावरण को हम साफ सुथरा रख पाएंगे, हम उसको पोल्यूटेड होने से बचा पाएंगे। तो आज हमारे बीच रूपांतरण सामाजिक एवं जन कल्याण संस्था के निर्देशक श्री राजीव बाबा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आपको क्ले मटेरियल से किस तरह से गणपति जी की मूर्ति बनाई जाएगी, इसका लाइव डेमो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप इसे समझाते जाएंगे, आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। और यदि आप अभी नहीं बना पा रहे हैं, यदि आपके पास वो क्ले मटेरियल उपलब्ध नहीं है, तो हम आपके ग्रुप में इस YouTube के वीडियो को शेयर करेंगे, आप YouTube से वीडियो में देख करके आप इस मूर्ति को बना सकते हैं। साथ ही हमारे साथ जो दूसरे रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर विक्रांत शाह, वे आपको किस तरह से इस गणपति जी की मूर्ति पर ऑर्गेनिक कलर किया जाता है, कैसे ये कलर्स बनाए जाते हैं, इसका लाइव डेमो के माध्यम से ट्रेनिंग देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको अच्छी तरह से सीखें, इसको समझें, और ये मैसेज इस वर्कशॉप के माध्यम से जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इस मैसेज को आप समाज तक पहुंचाएं, ताकि समाज के दूसरे नागरिक भी क्ले मटेरियल से इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति बना करके अपने घर में स्थापित करें। आगे के प्रोग्राम के कंडक्शन के लिए अतिथि परिचय देने हेतु मैं हमारे ही महाविद्यालय की प्राणिकी और बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सहायक प्राध्यापिका, जो कि हमारे महाविद्यालय की एनसीसी ऑफिसर भी हैं, डॉक्टर सरोज रत्नाकर को मैं आमंत्रित करती हूँ अतिथि परिचय हेतु। ओवर टू रत्नाकर मैडम। धन्यवाद मैडम। जय हिंद टू ऑल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, अवर रिसोर्स पर्सन एंड ऑल डियर पार्टिसिपेंट्स, वेलकम इन वन डे नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉर्ड गणेश आइडल मेकिंग विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन एंड सपोर्टेड बाय IQAC डिपार्टमेंट। टूडे वी आर अवर फर्स्ट रिसोर्स पर्सन इज श्री राजेश पहावा जी, डायरेक्टर रूपांतरण सामाजिक एवं जन कल्याण संस्थान। राजीव पहावा जी, डायरेक्टर रूपांतरण सामाजिक एवं जन कल्याण संस्थान उज्जैन।
Now I am going to present their brief introduction. श्री राजीव पहावा जी उज्जैन के एक जाने माने व्यक्तित्व हैं। कर्म से आप समाज सेवी एवं पर्यावरणविद हैं। आप रूपांतरण सामाजिक एवं जन कल्याण संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। आप मुख्यतः पॉलिथीन पर रोक, छिप्रा नदी संरक्षण एवं संवर्धन, पौधारोपण एवं संरक्षण अभियान जैसे उद्देश्यों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आपने उज्जैन को हरा भरा करने और छिप्रा नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य 2014 से प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत नदी किनारों पर सघन पौधारोपण किया एवं अन्य संस्थाओं को साथ जोड़कर उन पौधों के संरक्षण का कार्य भी किया। 2014 में मिट्टी के गणेश सीखो सिखाओ कार्यशाला भी पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू की गई एक और की गई और जो आज सतत जारी है। आज शहर भर में मिट्टी के गणेश बन रहे हैं और लोगों में जागरूकता भी आई है। प्रतिवर्ष आप इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि यदि कोई मिट्टी लेने आए तो वे खाली हाथ ना जाए। श्री राजेश राजीव जी रैकी ग्रैंड मास्टर एवं स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। ऑरा रीडिंग भी करते हैं आप। श्री पहावा जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष रूपांतरण को आयुष मंत्रालय के योग सर्टिफिकेट बोर्ड से योग केंद्र की मान्यता भी प्राप्त हुई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के अतिथि को कि वे आए और हमारी वर्कशॉप का टेक्निकल सेशन प्रारंभ करें। श्री राजेश पहावा जी, श्री राजीव पहावा जी सर। भाई साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शिवा मैडम, शिवा मैडम माइक को अनम्यूट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखहारः। आज के इस सीखो सिखाओ मिट्टी के गणेश की वर्कशॉप में उपस्थित सभी सुधी जनों का, आत्मीय जनों का, प्रियजनों का, दिव्यजनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सबको विनम्र प्रणाम एवं आभार है। सबसे प्रथम मैं संस्था के प्रिंसिपल महोदय का धन्यवाद दूंगा, लखानी मैडम का धन्यवाद दूंगा, सरोज मैडम का धन्यवाद दूंगा, अनीता मैडम का धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने इस कार्यशाला में उपस्थित होकर सबको मार्गदर्शन देने का अवसर प्रदान किया। रूपांतरण संस्था की स्थापना हुए 22 वर्ष हो गए हैं। जैसे आप एक कॉलेज रन कर रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ जो भी विद्यार्थी आते हैं उनका अपना भविष्य का एक सपना होता है कि उनको भविष्य में क्या करना। रूपांतरण संस्था जो मिट्टी के गणेश की कार्यशाला कर रही है पिछले 8 साल से, हमने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी विचार नहीं आया था, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी मिट्टी के गणेश बनाना सिखाएंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर हमारा कार्य निरंतर जारी था, क्योंकि हमें लगता था यदि सब सुखी रहना चाहते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता है कि वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ वातावरण होगा तभी निरोगी काया होगी, तभी सब सुखी रह सकते हैं। पानी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इन्हीं सारे विचारों ने स्वतः प्रेरणा से, या मैं ये कहूँ कि उस बप्पा जिनकी हम इस आज प्रतिमा बनाने जा रहे हैं, वे विघ्न हटता है, उन्होंने सबके विघ्न हटने के लिए हमें इस कार्य के लिए प्रेरित किया। क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे थे कि जितना हमारा वाटर बॉडीज हैं, जैसे मैडम ने हमें बताया कि वो पॉल्यूटेड हो रही थी और बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन, बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ बनने लग गई थी, उन्हें कैसे
संरक्षित किया जा सकता है, कैसे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, उसके लिए प्रेरणा मिली और हमने ये कार्य शुरू किया। तो सर्वप्रथम आप जब भी मिट्टी के गणपति बनाने का प्रयास करेंगे तो जिस प्रकार से आप ये मिट्टी का गोला देख रहे हैं, इसको हमको इस प्रकार से गूंदना होता है मिट्टी को, क्ले को, जैसे हम घर में पूरी का आटा गूंदते हैं। मतलब तो बहुत सॉफ्ट भी नहीं हो, बहुत हार्ड भी नहीं हो कि आपकी चिपक भी नहीं रही है और उसमें लोच बनी हुई है। इस तरीके से मिट्टी गूंदने के बाद हम थोड़ी सी मिट्टी को निकाल कर एक तरफ रख देंगे। शेष बची हुई मिट्टी के हम तीन भाग करेंगे। तीन भाग करने के बाद उसमें से प्रथम भाग का हम गोला बना लें। इस प्रकार की एक बॉल बना लेंगे, बॉल बना के उसको साइड में रख देंगे। फिर दूसरे पीस को उठाएंगे, इसके दो बराबर भाग करेंगे। पहले भाग का हम आसन बनाएंगे। इस प्रकार से आप गोल भी बना सकते हैं, चौरस भी बना सकते हैं, जैसा भी आप आसन जिस पर अपने गणपति विराजना चाहते हैं ऐसा एक आसन बना लें। इसका जो शेष भाग बचा है उसके हम फिर दो भाग करेंगे। तीन भाग में से एक का गोला बन गया, दूसरे भाग के दो भाग किए, एक का आसन बन गया, उसके शेष के दो भाग किए। इन दोनों के हम दो डंडे बना लेंगे पांव के लिए। गोले को हमने जो बेस बनाया उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और पीछे की तरफ से मिट्टी को ऊपर से नीचे की ओर खसकाएंगे ताकि ये इसमें पेस्ट हो जाए। अभी जो दोनों डंडे हैं इनको पीछे की तरफ थोड़ा सा ऐसे रखते हुए पीछे से इनको ऐसे घुमा देंगे, बेस में भी पेस्ट करेंगे और गोले में भी पेस्ट करेंगे। अब आपके जो दोनों पांव सामने दिख रहे हैं इनको अंगूठे और उंगली से प्रेस करके पंजे का शेप दे देंगे। अब जो हमारा तीसरा भाग हमने रखा था इसके पुनः दो भाग करेंगे। पहले भाग का गोला बना लेंगे, गोला बना के साइड में रख देंगे। शेष जो मिट्टी बची है इसके पांच बराबर हिस्से करेंगे, दो हाथ, दो कान और एक सूंड। पांच बराबर भाग करने के बाद दो भाग के जैसे हमने पांव के डंडे बनाए थे ऐसे हाथ के लिए दो डंडे तैयार करें। दो डंडे तैयार होने के बाद इनको जो हमारा धड़ है इसके ऊपर एक दूसरे से चिपका के इस तरीके से रखें। ऐसे रखने के बाद इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो
ताकि वे आपस में भी चिपक जाएं और बेस में भी अच्छे से चिपक जाएं। फिर दोनों डंडों को सामने की तरफ घुमा देंगे, जिधर हमारे पांव हैं, सीधे हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में देने के लिए उसको इस प्रकार से मोड़ देंगे। बाएं हाथ को लड्डू रखने के लिए सामने से सिंपली ऐसे प्रेस कर देंगे। अब ये हाथ ऐसा हो गया और सीधा हाथ ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा, जहाँ हमने दोनों हाथ जोड़े हैं, ऊपर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और जो ये गोला है इसको उसके ऊपर रख के इस तरीके से थोड़ा सा मूव करते हुए प्रेस कर देंगे। और जैसे हमने बड़े गोले को पीछे से मिट्टी को खसकाते हुए आसन से जोड़ा था, अब इसको बड़े गोले से पेस्ट जुड़ जाए, इस प्रकार से मिट्टी को खसका के पेस्ट कर देंगे। अब हमारी गर्दन जो है वो आपके धड़ से चिपक गई। अब जो अभी तीन गोलियां बची थी उसमें से दो टुकड़े उठाएंगे, इनकी दो गोलियां बनाएंगे अंगूठे और उंगली से इस प्रकार से पकड़ेंगे और जो सर है उसके करीब लाकर अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करें ताकि वो उसे चिपक जाए, ये चिपक गए। और अंगूठे और उंगली को आपस में एक दूसरे के करीब लाते हुए ऐसे प्रेस करेंगे जिससे उसका शेप भी आ जाए, ये चिपक भी गए और उनके पेस्ट भी हो गए, उनका शेप भी आ गया। अब इसको मिट्टी को इसमें मिक्स कर देंगे ताकि सूखने के बाद एयर आने से ये गिर नहीं जाए कान, इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे ताकि ये उसके साथ मिक्स हो जाए। कान का शेप भी हो गया, कान चिपक गए और आपने उसको पेस्ट कर दिया। अब तीसरे हिस्से का पांचवा भाग बचा है, इसकी हम सूंड बनाएंगे। सूंड बना के सर के ऊपर इस प्रकार से रखते हुए उसको इसमें पेस्ट कर दें। अब सूंड को आपको आपके घर की मान्यता, आपके परिवार की मान्यता के हिसाब से इसको बाईं तरफ मोड़ना है या दाईं तरफ मोड़ना है, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ हम इसको बाईं तरफ मोड़ रहे हैं जिधर हमने लड्डू के लिए हाथ रखा। बाकी आप अपनी मान्यता के अनुसार उसको दाईं तरफ भी मोड़ सकते हैं। ये इनका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब जो हमारे पास ये मिट्टी बची हुई थी इससे हमको कान, सॉरी आँख, दांत, मुकुट, लड्डू, मूषक, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इनकी आँखें बनाएंगे, छोटी छोटी सी दो गोलियां बनाकर। फिर दांत के लिए इसे तीली बनाकर, एक थोड़ी सी लंबी बना सकते हैं, एक थोड़ी सी छोटी बना सकते हैं। आपको लड्डू बनाना है, आपने छोटा सा लड्डू बना लीजिए।
मुकुट के मैं आपको दो तीन तरीके से बता रहा हूँ, आपको जैसा पसंद आए। थोड़ी सी मिट्टी निकाली, इसके फिर तीन भाग किए, एक थोड़ा सा बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा। बड़े वाले भाग की आपने प्लेट बना ली, दूसरे भाग की भी आपने प्लेट बनाई, उस प्लेट के ऊपर रख दिया। तीसरे भाग का आपने कलश जैसा बना लिया, इन तीनों को पीछे से पेस्ट कर दिया और आप इसको इसके ऊपर रखकर चिपका सकते हैं। एक मुकुट आप ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी ली, इस तरीके से एक रोल बनाया, ऐसा शेप दे दिया। इसके ऊपर आप छोटी सी बॉल बना के लगा सकते हैं। तिलक लगा सकते हैं। तो जैसा भी मुकुट आप बनाना चाहें, प्लस इसके अलावा जो भी आप क्रिएटिविटी इसमें करना चाहते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे मिट्टी के गणपति तैयार हो गए हैं। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे और 5 मिनट चर्चा करने की इजाजत चाहूंगा। 2 आग्रह हैं मेरे। वैसे तो यहाँ हमारे साथी हैं जो आपको ऑर्गेनिक कलर्स का उपयोग करना बताएंगे, फिर भी मेरा विनम्र आग्रह सबसे ये रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी को होते नहीं हो पाते, या लोग उतना नहीं सर्च कर पाते हैं। हमारा आग्रह ये रहता है कि हम स्टोरी पर जाएं कि कब गणपति जी की उत्पत्ति हुई थी और कैसे हुई थी। जो कहानी है उसमें यह है कि उत्पत्ति हो गई, वे द्वारपाल बन गए, शिव जी आए, वे माता जी से मिलना चाहते थे, युद्ध हुआ, गर्दन कट गई, माता जी कुपित हो गई और उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे मेरे पुत्र को पुनः उत्पन्न कीजिए, पुनः उसे आप जीवित कीजिए। तो गर्दन जो कट गई थी, उस गर्दन की तलाश के लिए गणों को भेजा गया और जो गर्दन आई, हम सब जानते हैं कि वह हाथी की गर्दन है। हम देख रहे हैं कि सूंड वाली गर्दन लगी, हाथी की गर्दन लगी। और यदि हम हाथी की का कलर देखेंगे तो वह यही होता है जो हमारे सामने ये प्रतिमा रखी है। अब ये सोचने की बात है कि क्या धड़ का रंग और सर का रंग अलग हो सकता है? नहीं, हमारे शरीर का जब धड़ और सर का रंग एक ही है तो उनका भी रंग वही था, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। निश्चित रूप से हम उनको अपने ऊपर कपड़े पहनते हैं, अपने आप को सुशोभित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो आप सुशोभित करने के लिए जो आप करना चाहें कर सकते हैं। हम हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, पूजा पाठ में हम कुंकू से हल्दी से तिलक करते हैं, आप उस तरीके से भी करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे साथी आपके पास अभी बताएंगे कौन से कलर्स को कैसे उपयोग करना है। दूसरा आग्रह यह है कि इसे आप अपने घर में किसी भी बाल्टी में विसर्जित करें, क्योंकि पुराने जमाने में जब हम वाटर बॉडीज में विसर्जन करते थे, फिर वो तालाब हो, कुएं हो, नदी हो, हर वर्ष गर्मियों में उनकी सफाई हुआ करती थी, ऐसा परंपरा थी कि बारिश आने के पहले गर्मियों में वाटर बॉडीज की क्लीनिंग की जाती थी, ताकि जो भी उसमें गाद इकट्ठी होती है वह खेतों के लिए उपयोगी होती है। बाढ़ में बह के पानी आया है, कुछ भी है, वो पानी जब बरसात के बाद सफाई नहीं हुई है, गर्मियों में होती थी, तो वो हमारे खेतों के काम में आ जाती थी। प्लस जब पानी आता है तो वहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाती है, हमारी आव वगैरह बराबर खुली रहती है, यह सब गतिविधियाँ तब हुआ करती थी।
आज के इस कालखंड में वो सब कुछ खत्म हो गया है। तो हम कहीं भी वाटर बॉडीज में जब डालते हैं तो निरंतर हम इस प्रकार से जब मिट्टी उसमें डालते जाएंगे तो वहाँ सिल्ट जमा होती जाएगी और हमारा वाटर बॉडीज का कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। इसलिए आग्रह है कि हो सके तो आप अपने घर में, जैसे मैडम ने भी कहा, आप अपने गमले में डाल सकते हैं, क्यारी में डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी बाल्टी में इसे पानी के साथ में उसमें छोड़ दें, जब वो गल जाए तब आप अपने पौधे में इसका मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आज के सत्र के लिए मैं पुनः गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का मैं आभार अभिव्यक्त करता हूँ कि मुझे इस वर्कशॉप के लिए आपने आमंत्रित किया और अपनी बात कहने का अवसर दिया। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद भाई साहब, मेरे मुंह से आपके लिए भाई साहब ही निकलता है। मैं आपको सर का संबोधन यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि आपसे बहुत वर्षों पुराने हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, तो उस नाते आप मेरे भाई ही हैं और बहुत ही नोटिस कर रहे हैं। आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं और आप हमारी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। मैं संस्था की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने बहुत ही सरल तरीके से गणपति जी की मूर्ति को किस तरह से बनाना है की जानकारी दी। गणपति जी को बनने के बाद में किस तरह से मुकुट बनाना और किस तरह से दांत आँख और अन्य चीजों बना करके और उसको सुंदर स्वरूप प्रदान करना, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हम सभी को समझाया है। निश्चित ही सभी पार्टिसिपेंट्स ने इसका फायदा लिया है और सभी को समझ में आया है। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश करती हूँ कि कल हर घर में गणपति जी विराजित होंगे तो आप इस तरह से मिट्टी के गणपति जी बना करके और अपने घर में उसको विराजित करें। फॉर फर्दर कंडक्शन आई इनवाइट डॉक्टर सरोज रत्नाकर मैडम। ओवर टू रत्नाकर मैडम। धन्यवाद मैडम। श्री राजीव पाहवा जी ने हमको बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमारे समाज को आज ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है जो हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने के साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी महत्व समझे। आगे कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सेकंड रिसोर्स पर्सन श्री विक्रांत साहा जी को। आप शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन में चित्रकला विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर विक्रांत साहा, आपको मिट्टी के गणेश जी पर किस तरह से ऑर्गेनिक कलर से हम उसको सुंदरता प्रदान कर सकते हैं और उसका डेकोरेशन कर सकते हैं, और ये जैसा कि मैडम ने आपको पूर्व में ही बताया है कि ये वे कलर हैं जो कि हमारी प्रकृति को और हमारे जलाशयों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विक्रांत साजी को कि वे गणेश प्रतिमा पर कलर करने का तरीका बताएं। ओवर टू यू श्री विक्रांत शाह। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। विक्रांत सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। शिवा मैडम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सर ने ये गणेश जी बनाए हैं, ये बनने के बाद, पूरी प्रोसेस होने के बाद हमें इन्हें सूखने देना पड़ता है और जैसा मौसम है इन्हें सूखने में एक दिन या दो दिन भी लग सकते हैं और उसके पश्चात फिर हम उन पर कलर करते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि हमें इस पर ऑर्गेनिक कलर ही हम इस्तेमाल करते हैं ताकि एनवायरमेंट को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो उसके लिए। तो यह जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। आप फ्रीगंज में या फिर सिटी में जाकर ऑर्गेनिक कलर्स कहकर इनको खरीद सकते हैं। सभी शेड्स में ये कलर उपलब्ध हैं। ये पाउडर के फॉर्म में आपको मिलते हैं जिसमें आपको इसमें पानी मिलाकर इनको पेस्ट की तरह बनाना पड़ता है और फिर इसको आप कलर के लिए उपयोग करते हैं। चूँकि यहाँ पे समय की
कम है, इसलिए ये सूखे गणेश जी जो पहले बनाए हुए हैं ये हम ले उपलब्ध करे हैं हमने, और अब हम इस पर कलर करना आपको दिखाएंगे। जैसा कि मैंने देखा सर ने जो बताया है इसमें बिल्कुल विपरीत होता है, सर ने पहले जो बेस होता है उससे तैयार बनाना शुरू किया था, लेकिन कलरिंग इसका जस्ट अपोजिट होगा। सबसे पहले हमें ऊपर से लेके नीचे तक इसमें कलर करना होता है, क्योंकि हम जब इसको हाथ से बार बार पकड़ते हैं तो ये कलर निकलने का डर होता है। वैसे हम चाहें तो नीचे अगर हम कुछ रखकर इस तरह से भी इसको घुमाकर हम कलर कर सकते हैं, फिर भी जो कलरिंग का ड्राइंग में वैसे भी रूल है फ्रॉम अपर साइड राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड, उसी प्रकार से हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ कलर को करते आएंगे ताकि हमारा हाथ कम से कम लगे और हमारा करा हुआ कलर खराब ना हो। तो चलिए हम शुरू करेंगे कलर के साथ। यहाँ पर मैं कलर भी घोल के लाया हूँ तो उससे हम अभी शुरू करेंगे। शिवा मैडम मेरी आवाज आ रही है? मैडम आपकी आवाज? हाँ सर, आप थोड़ा सा जहाँ आपका वो कपड़ा रखा हुआ है उस साइड थोड़ा चेयर कर लें। ओके क्योंकि जी थोड़ा सा पावा भाई साहब की तरफ जी ठीक है। जी हम सबसे पहले पगड़ी से शुरू करेंगे और पगड़ी पे कलर करेंगे। आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या कलर करना है, कैसे कलर करना है, उस प्रकार से। और जैसा सर ने बताया कई बार ये ऑर्गेनिक कलर्स आप उस पहुंच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बहुत ही आसान सा वो है जो पहले इस्तेमाल किया जाता था। आप हल्दी से पीला कलर बना सकते हैं, प्योर हल्दी से आप पीले कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी मेरे ख्याल से हर घर में उपलब्ध होती है तो ये बहुत इजीली हो जाता है। ये हमने पगड़ी में पीला कलर करा है। इसके बाद हमने स्किन कलर इधर पे तैयार रखा है। स्किन कलर बनाने के लिए आप सफेद कलर में, सफेद कलर की मात्रा ज्यादा हो उसके अंदर, फिर आप थोड़ा सा ऑरेंज कलर और थोड़ा सा पीला कलर, जैसे अगर 90% आप वाइट कलर ले रहे हैं तो 5% आप येलो कलर और 3% आप ऑरेंज कलर मिला के इस स्किन कलर को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इनकी बॉडी पे आप स्किन कलर करेंगे पूरे में। इसके लिए भी अगर आपके पास ऑर्गेनिक कलर नहीं है और आप इको फ्रेंडली ही गणेश जी बनाना चाहते हैं तो घर पर आप चूना और कुंकू इन दो से भी रेड कलर और वाइट में वो रेड कुंकू मिलाकर आप स्किन कलर तैयार कर सकते हैं। उसके गाढ़ेपन के लिए आप चाहें तो उसमें खाने का जो गोंद आता है उसे पिघलाकर भी उसमें थोड़ा बहुत मिलाया जा सकता है। काला कलर हम काजल से ले सकते हैं, सफेद जैसा कि मैंने बताया चूने को मिक्स करके लिया जा सकता है। इसके बाद हम इनकी धोती में कलर करेंगे।
सर इस कलर को कैसे बनाया? मैडम ये डायरेक्ट अवेलेबल होता है, इसको पाउडर वही ऑर्गेनिक पाउडर हमने खरीदा था मार्केट से, उसको पानी में लेकर और फिर बनाया है। अगर बाय द चांस आप और भी घर पे कोई कलर बनाना चाहते हैं तो नील का पाउडर जो होता है उससे नीला कलर भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम इनका नीचे का जो बेस है, जो पट्टा है, उसको ब्राउन कलर करेंगे। आप इसे बनाते समय गणपति जी का मंत्रोच्चार भी कर सकते हैं, ताकि जिस श्रद्धा और भाव से मैडम ने इको फ्रेंडली गणेश जी का वर्कशॉप रखा है उतनी ही श्रद्धा और भाव से आपके गणेश जी बनेंगे, तो आपको पूजा करने में भी इनका लड्डू आँख और तिलक। तो थोड़ा कलर का सूखना जरूरी होता है, फिर भी हम इसके ऊपर ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सेंसिटिव होती हैं जब हम आँख पे काम कर रहे होते हैं और बारीक पोर्शंस पे जहाँ पर भी हम काम कर रहे होते हैं। इसमें एक तिलक बना हुआ है तो मैं उस तिलक को ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ। अब हम इनकी आंच करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अभी इसमें एक चीज हम और कर सकते हैं कि हम स्पार्कल्स मिलते हैं मार्केट में,
जी सभी कलर के मिलते हैं, तो वो इनके ऊपर बस इस तरह से हम मुरमुरा सकते हैं। अगर ये कलर सूखने से पहले गुरगुरा देते हैं हम तो वो जमे रहते हैं, तो उनमें थोड़ी चमक भी आ जाती है, शायद दिखाई दे रहा है तो। अभी दिख रहा है लेकिन बहुत क्योंकि गीला कलर है इसमें। जी मैडम बिल्कुल, तो इस प्रकार से ये कई बार ये भी होता है कि हमारे पास सारे कलर नहीं होते हैं तो हम सिर्फ सिंगल कलर से भी इनको बना सकते हैं। जनरली ऑरेंज कलर के भी हम लोग देखते हैं कि गणेश जी होते हैं, तो अगर आप कहें मैडम तो मैं दूसरा ट्रायल दूं या जो समय के बाद जैसा भी सिंगल कलर। हाँ मैम, आप बता दीजिए, मेरे ख्याल से 5 मिनट लगेंगे, हो जाए। जी मैडम, ओके, थैंक यू मैम। जैसा कि हमने बात किया कि सभी एक समान एक्सपर्ट नहीं हो सकते कि कलरिंग में या बनाने में जैसा भी, तो हम जब हमारे गणेश जी बन जाते हैं, सूख जाते हैं, तो हम उनको सिंगल कलर से भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कलर अवेलेबल भी हो पाना थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, तो हम सिंगल कलर से भी इनको कर सकते हैं पूरे गणेश जी में। और ये स्पार्कल्स हर कलर में मिल जाते हैं, मैंने तो येलोइश शेड लिया है, आप चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर भी आता है और बहुत सारे कलर भी आते हैं। बहुत सुंदर सर, सिंगल कलर में गोल्डन कलर भी ले सकते हैं और वो भी बहुत गोल्डन कलर भी ले सकते हैं, सिल्वर कलर भी ले सकते हैं, गोल्डन जी सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सबकी तरफ से मैं क्लैपिंग कर रही हूँ सर, क्योंकि सब से जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी क्लैपिंग है और आपके लिए भी, और बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत ही, जहाँ पावा सर ने बहुत इजी स्टेप्स बनाई गणपति जी की मूर्ति बनाने की, वहीं आपने कलर करके और उसमें जान डाल दी। और आपने सही कहा कि जिस भावना से हम मूर्ति को बनाएंगे और उसमें कलरिंग करेंगे तो शायद उसको घर में विराजित करने में उसका डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि भगवान हमारी श्रद्धा का, हमारी भावनाओं का ही भूखा है, वो दिखाई देगा भूखा नहीं है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, विक्रांत सर को भी मैंने रात को रिक्वेस्ट की
कि सर आप हमारे कार्यक्रम में जुड़िए, आपने भी बड़ी सहजता से हमारे निमंत्रण को एक्सेप्ट किया। पावा भाई साहब ने भी बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पावा जी ये कह रहे थे कि उसको नेचुरल रहने दो, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसको नेचुरल रहने दे सकते हैं। और चूंकि आजकल सुंदरता का जमाना है, जब हम मार्केट से कंपैरिजन करते हैं मूर्तियों की, तो वहाँ अगर हम इस तरह के ऑर्गेनिक कलर्स का उपयोग करेंगे तो उसमें सुंदरता भी आ जाती है। हालांकि मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि ईश्वर इन सब चीज़ों का भूखा नहीं है, वो तो श्रद्धा का भूखा है। आप जिस भावना से उसको बनाएंगे वो उतना ही खुश होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, हमारे चूंकि प्रिंसिपल सर अनिजवाल सर किसी मीटिंग में अचानक उन्हें जाना पड़ा और वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो मैं प्रोफेसर अनिता मनचंदिया मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए। ओवर टू मनचंदिया मैडम। धन्यवाद लखानी मैडम, आज की इस अत्यंत ही सुंदर कार्यशाला के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। इको फ्रेंडली गणेश आइडल मेकिंग जो हमारे महाविद्यालय के गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन के आईक्यूएसी साइंस कमेटी और जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें हमें सहयोगी के रूप में रूपांतरण सामाजिक एवं जन कल्याण संस्था का सहयोग मिला। आदरणीय राजीव पावा जी को, और राजीव पावा जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी थोड़ा सा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जो सर ने बीड़ा उठा रखा है वो निश्चित रूप से तारीफ काबिल है, और वे इस सब चीजों के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि अपना पूरा, उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन इसको समर्पित कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगली पीढ़ी उन्हें कई वर्षों तक उन्हें इसके लिए याद किया जाएगा। शिप्रा संरक्षण में जो सर का बहुत योगदान रहता है वो हम कई जगह पढ़ते भी हैं, और हम तो चूंकि उज्जैन के ही रहने वाले हैं तो देखते भी आ रहे हैं। सर आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इसके लिए, इसके लिए मेरा आपको प्रणाम है, शत शत प्रणाम है सर। आज की जो ये कार्यशाला का मुख्य कारण जो था ऑर्गेनाइज करने का, कल घर घर गणपति विराजेंगे, सभी बहुत आतुर रहते हैं इन 10 दिन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए। हम सभी जानते हैं आज से ही मार्केट में भीड़ हो चुकी है गणपति के लिए, पर हर वर्ष ये रहा है कि सरकार प्रयास करती है कि हम मिट्टी के गणपति बनाएं, पर वही मार्केट में यदि हम जाकर के देखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट ऐसा लगता है 90% स्टॉल पर पीओपी के गणपति ही नजर आते हैं अभी। तो अब आज के समय में भी हमें इसके प्रति चेतना जागरूक करने की बहुत अधिक आवश्यकता है समाज में। हम एक तरफ बात करते हैं हमेशा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण करें, हम नदियों को तालाबों को गंदा ना करें, पर वहीं दूसरी ओर जब गणेश उत्सव आता है और नव दुर्गा का समय आता है तो इन सब चीजों को शायद हम भूल जाते हैं। पीओपी के द्वारा बनाए गए और जो केमिकल्स उस पर लगाए जाते हैं जिससे हमारे यहाँ का पूरा ये कहना चाहिए जल बहुत अधिक दूषित हो जाता है। एक तरफ हम ये कहते हैं केमिकल्स फैक्ट्री के द्वारा जो आ रहे हैं उनसे तो हो ही रहा है, पर ये तो हमारे द्वारा किया जा रहा है जो बहुत ही अधिक नुकसानदायक रहता है। सर ने इतने अच्छे से बहुत सहज सिंपल तरीके से के बनाना सिखाया है, निश्चित रूप से हमारी छात्राएं लाभान्वित हुई होंगी और वे इसे समाज में इस प्रथा को ये कहें कि समाज के लोगों को अपने समाज में न जाके अपने आसपास के लोगों में भी यदि इस के लिए जागरूक करती हैं कि नहीं हम कल मार्केट जाकर पीओपी के गणपति नहीं खरीदेंगे, हम ना खरीदेंगे ना घर में बिठाएंगे और ना गणपति का विसर्जन करने हम किसी भी नदी तालाब या कुएं में कुएं तक जाएंगे, जो भी करेंगे हम खुद के घर पे बैठ करके घर पे ही क्ले ला करके ऑर्गेनिक कलर ला के गणपति बनाएंगे। ये सब छात्राएं प्रण ले और विसर्जन के लिए भी
हम अपने ही घर में गमले में रखकर ही इसका विसर्जन करेंगे। जैसा कि मैडम ने भी बताया, आस्था सबसे बड़ी चीज है। भगवान ये नहीं देख रहा कि आपने मुझे कहाँ विसर्जित किया, आपने मेरी किस श्रद्धा से पूजा की, किस श्रद्धा से 10 दिन मेरी सेवा की, किस श्रद्धा से मुझे भोग लगा है, बस भगवान यही देखता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी आज इस वर्कशॉप में जिन्होंने सहभागिता की, वे सब प्रण करें कि हमें वाटर पॉल्यूशन, एनवायरमेंट संरक्षण कह लें या वाटर पॉल्यूशन कह लें, इसके इसको ध्यान में रखते हुए मिट्टी के ही गणपति घर पर बनाएं और घर पर ही विसर्जन करें। पावा सर, और बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने मैडम के आमंत्रण को स्वीकार किया, और साथ ही हमारे साथी महाविद्यालय के ही हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर हमारे कार्यक्रम को शोभित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनिजवाल सर भी जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वो इंटर नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने भी आयोजन की काफ़ी तारीफ की है और आयोजनकर्ता को बधाई दी है, और आप दोनों का भी आभार माना है, पावा सर का और विक्रांत सर का, अच्छे आयोजन के लिए। यहाँ पर मैं अनिता मनचंदिया मैडम का भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई थी वो मनचंदिया मैडम के गाइडेंस में हुई थी, उनके मार्गदर्शन में हुई थी, और अभी भी उनका काफ़ी सहयोग मिलता रहा है। वहीं अनिजवाल सर भी हमेशा तत्पर रहते हैं कि महाविद्यालय में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहे, पार्टिसिपेंट्स को इस तरह का नॉलेज देते रहें। उनको शायद ध्यान होगा कि फिलॉसफी और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो या तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से संबंधित होती हैं या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से होती हैं। तो अभी भी हमने इस तरह की एक्टिविटी आप लोगों को के साथ करवा के हम समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है, और आप बाजार से इस तरह की पीओपी की मूर्तियां ना खरीदें, घर में इसको बनाएं और समाज में भी इसका मैसेज दें। तो पंचन्या मैडम से धन्यवाद देती हूँ, और अब आगे के कंडक्शन के लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रतिभा मैडम को। ओवर टू प्रतिभा। थैंक यू वेरी मच मैम, thank you very much ma'am for giving me this opportunity. Thanks all of you. Science committee tatha zoology and biotechnology department dwara vipassan sanskar ka pravarthan lord ganesha idol mission dwara rashtriya karyashala ka aayojan kiya ja raha hai. Mujhe aabhar pradarshan इस सर्वप्रथम बहुत बहुत आभारी हूँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव पावा जी की, जिन्होंने अपना अमूल्यवान समय हमें दिया और हमारे पार्टिसिपेंट्स को मिट्टी को श्री गणेश भगवान की मूर्ति तैयार करने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। आप सभी को याद होगा कि सर गणेश इसके शुभ अवसर पर हम आपसे यह आशा करते हैं कि श्री पावा जी द्वारा बनाई गई गणेश जी की प्रतिमा आप लोग घर में बनाएंगे और घर में स्थापित करेंगे। हमारे संस्थान की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिट्टी की मूर्ति बनाने के बाद इसकी सुंदर सजावट भी आवश्यक है, इसके लिए मैं आभारी हूँ श्री महाविद्यालय के डॉक्टर विक्रांत शाह की, जिन्होंने गणेश प्रतिमा को डेकोरेट करना हमें सिखाया। धन्यवाद सर। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जो गणेश प्रतिमा यहाँ बनाई गई है उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, जो मिट्टी यूज हुई है तथा उसे डेकोरेट करने के लिए जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सभी ऑर्गेनिक है तथा इको फ्रेंडली है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा। मैं आभारी हूँ प्राचार्य प्रोफेसर एच एल अनिजवाल सर की, जिनके सतत मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर पाए हैं। मैं आभारी हूँ कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर गीता मनचंदिया मैडम की। मैं आभारी हूँ वर्कशॉप के कन्वीनर डॉक्टर लखानी मैडम की, जिन्होंने गणेश चतुर्थी के पूर्व यह सुंदर कार्यक्रम को आयोजित किया तथा पर्यावरण के संरक्षण की ओर एक सराहनीय कदम उठाया। मैं आभारी हूँ डॉक्टर सरोज रत्नाकर की, जिन्होंने अतिथि परिचय दिया। अतिथि सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ एवं शाश्वत निगम की,
अंत में मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी प्रतियोगियों की, क्योंकि आप लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है, मैं अटेंड करती हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैम, एक्चुअली सर का मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है स्ट्रीमयार्ड का, तो सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पर सर ने बहुत प्रोग्राम की तारीफ की है और हमारे दोनों जो रिसोर्स पर्सन से उनको धन्यवाद कहा है। यहाँ आज के कार्यक्रम की सार्थकता मैं सोचती हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स को समझ में आई होगी, और यहाँ हम वर्कशॉप का समापन करते हैं। हम लोग चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक को शेयर कर रहे हैं, आप फीडबैक लिंक को भरने के बाद ही मीटिंग को लीव करेंगे, उसके पहले मीटिंग को लीव नहीं करेंगे। और आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि जब आप फीडबैक लिंक भरेंगे तो उसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पार्टिसिपेंट्स का मैसेज आता है कि मैडम हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब आप लोगों का ये स्क्रीनशॉट हमें मदद करता है। तो फीडबैक लिंक आप भरकर फिर ही मीटिंग को लीव करें, और हर दिन सिर्फ 100 ही सर्टिफिकेट हम लोग पार्टिसिपेंट्स को दे पाएंगे। तो आप लोग कुछ दिन वेट करेंगे, सर्टिफिकेट सबको मिलने में टाइम लगेगा, तो जो जैसे जैसे फीडबैक लिंक को सबमिट करता जाएगा उसको उस नंबर के हिसाब से सर्टिफिकेट इश्यू होते जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स को, और अगली एक्टिविटी में हम आप लोगों को फिर से बहुत जल्दी जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, पावा भाई साहब, विक्रांत सर, प्रतिभा खंड मैडम, सभी को बहुत।